मेरा नाम मसूद अहमद मीर है और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वर्कर्स यूनियन JKPCC एम्प्लॉज़। और यहाँ हम पिछले लगभग 10 दिनों से ज़्यादा यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, एंड खाली हम नहीं यहाँ बैठे हैं, हमारे जम्मू के सिमिलर एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठे हैं और उनकी गुहार भी लगभग रोज़ाना सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जा रही हैं कि हमारी कोई रुदात सुन नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो इस अर्स्टवाइल स्टेट जो अभी UT है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी हो, मेहरबानी करके, ये इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कोई इधर या कुछ झंडा हम उठाएंगे या बाकी कुछ या किसी के खिलाफ बोलेंगे, नहीं। मेहरबानी करके वो अंकुश कुमार जो हमारा हिंदू भाई जम्मू में बैठा है, जो परसों रो रहा था उस वीडियो ने हमें हिला दिया सबको, उसमें वो अंकुश कुमार मेरे जो हिंदू भाई जो JKPCC के एम्प्लॉयज़ उधर बैठे हैं, इंसानियत सबसे पहले इंसानियत दरस है, वो देखिए ये वो वीडियो, वो कह रहा है कि मेरी बच्ची को लग गई, मैं इसको इलाज तक नहीं कर सका, मैंने हल्दी लगाई, गवर्नर साहब 4 मंथों से हमारी सैलरी और नहीं निकाल रहे हैं हमारे मैनेजमेंट, क्या यही इंसानी कदर है? इवन चीफ सेक्रेटरी की पब्लिक हेयरिंग में मैं अपनी डेलीगेशन लेके गया, एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास बिल्कुल वो चिट्ठी उनका तजम्मुल साहब, उनका वो है अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का, उन्होंने पब्लिक हेयरिंग सुनी, हमारी रुदात सुनी और बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी RNB शैलेंद्र जी को वो हमारा कागज जो है वो दिया, उसमें लिखा गया कि प्लीज हेयर देम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर नॉर्म्स। उसके बाद हमें पता नहीं है, उसमें कुछ नहीं हुआ। ये कब हुआ? यही कोई, मुझे लगता है कि यही कोई 10 या 15 दिन हुए होंगे, एंड आई हैव ऑन रिकॉर्ड दैट लेटर इज विद मी, वो आप देख सकते हैं, वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अशोर का किया उन्होंने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इनको सुनिए, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र जी ने क्या किया, मैं उसका आभारी हूँ कि वो हमेशा हमें सुनते हैं। मैंने कहा था कि वो हमें दे आर फेवरिंग अस ऑलवेज, वो उन्होंने फेवर किया, मैं उनको वी आर थैंकफुल टू, बट सर मेहरबानी करके जो फैसला हमारे लिए लेना है, वट एवर डिसीजन यू वॉन्ट टू टेक फॉर अस एम्प्लॉय, और हमें उम्मीद है अच्छा ही होगा, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल एम्प्लॉई कैन अफोर्ड हिज डेली नीड्स विदाउट सैलरी, कैसे कर सकता है अफोर्ड सैलरी? चार मंथ की सैलरी, मैं दिखाऊंगा नोट से आपको, बच्चों की ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बच्चों की नोट से आ रही है, स्कूल से बैंक नोट से आ रही है, हाउ कैसे करेंगे? दवाइयां नहीं है, इसलिए प्लीज सर हमारी डिमांड क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, हमारी डिमांड है कि 4 मंथ की सैलरी फर्स्ट जो हम सस्टेन कर पाए, फिर डिसीजन क्या लेना है गवर्नमेंट को, क्या फाइल उनको चलानी है वो खूब जानते हैं, और वो हम थैंकफुल हैं उनके कि वो उसमें कर रहे हैं कुछ, कि हमें इंस्टेंट रिलीफ है वो सैलरी दी। और हमारे जो डेली वेजर हैं ये सितम शरीफी हैं, आप देखिए इट इज़ आयरनी, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये अजीब बात है कि हर किसी डिपार्टमेंट हर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 300 का ऑर्डर जो निकला प्राइम मिनिस्टर की वसादत से, गवर्नर की वसादत जो निकला, हर किसी डिपार्टमेंट ने अप्लाई किया, हमारे MD साहब ने अपने अपने पास वो फाइल रखी कुर्सी के नीचे, ई फाइल में 300 का ऑर्डर हमें जो है इमिजिएट जल्दी उसका इशू होना चाहिए, इमिजिएटली इशू होना चाहिए, यह दूसरी डिमांड है। और जो एम्प्लॉयज़ की जो सिक्योरिटी है कि बाद में इनके साथ जो तनख्वाह है रेगुलरली निकाली जाए।